हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो साथ में आए हैं हरि कथा श्रवण करने के लिए। तो आप लोगों के कारण दो शब्द मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है। तो कल हमने जो है प्रभुपाद लीलामृत का दूसरा भाग जो है समाप्त किया था, जिसमें हमने देखा कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क में पूरी तरह से इस्कॉन की स्थापना कर चुके थे। काफी उनके दीक्षित भक्त भी थे वहां पे। अभी वहां पे रोज प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का कम से कम 2 महीने 50 प्रवचन भी दिए थे। और वहां पे दीक्षित भक्तों को मंदिर का ध्यान रखने के लिए कहा, और प्रभुपाद जो है दूसरी ओर सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल पड़े थे। तो अभी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रभुपाद कलकत्ता से अमेरिका आए थे तो वो शिप में आए थे, जलदूत में, जिसमें हमने सुना है कि प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आया था। लेकिन प्रभुपाद अभी तक अपने जीवन में हवाई जहाज में कभी नहीं बैठे थे, प्लेन में कभी नहीं बैठे। तो ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा था जहां मुकुंद प्रभु ने जो है प्रभुपाद को नेवता देने के लिए जो है फ्लाइट टिकट भी दिया था, और उसके साथ उनके जो एक शिष्य थे रणछोर प्रभु। तो रणछोर प्रभु जो है उन्होंने कैसे पैसे जुगाड़ करके जो है अपने जमा करके उन्होंने जो है वो भी जुड़ गए थे कि हाँ मैं भी फ्लाइट में जाऊंगा। और वो एक सेक्रेटरी जैसे या पर्सनल सर्वेंट जैसे प्रभुपाद के साथ थे। तो प्रभुपाद अभी पहली बार फ्लाइट में जा रहे हैं। तो और ये जो है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। तो प्रभुपाद रणछोर को देख के बोले, अरे ये सब बिल्डिंग जो है वो तो जो है इसके जैसे दिख रही हैं, जैसे अपने माचिस की जो डिब्बियां होती हैं एकदम छोटी। और फिर बोलने लगे, अगर हमें इतनी छोटी दिख रही हैं तो कृष्णा जब देखते होंगे गोलोक वृंदावन से तो कैसे दिखता होगा करके, ऐसे करके प्रभुपाद ने कमेंट किया था जब प्रभुपाद प्लेन में बैठे थे। तो रणछोड़ जो है वो तो बिल्कुल सूट में टाई में था बैठा था, और प्रभुपाद के साथ वो कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार था। अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि इस ओर जो है तकरीबन 50 हिप्पी जो है वो लोग आए थे प्रभुपाद को लेने के लिए, प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो मुकुंद जो है उसने कई अपने हिप्पी दोस्तों को बताया था प्रभुपाद के बारे में। और मुकुंद के साथ जो उनकी बीवी थी जानकी, वो रविंद्र स्वरूप प्रभु, राय रामा, ये लोग सब न्यूयॉर्क के थे, और वो लोग अभी जो है सैन फ्रांसिस्को में थे। और साथ साथ एलिन जिन्सबर्ग जो बड़े संगीतकार थे वो भी आ गए थे। तो बताया जाता है कि एलिन जिन्सबर्ग जो कई बार प्रभुपाद के साथ कीर्तन में भाग लिए थे, और वो अभी यहाँ पे थे सैन फ्रांसिस्को में, और वो भी प्रभुपाद को लेने आए थे। तो प्रभुपाद जो है उनको काफी अच्छा लगने लगा कि मैं जो है नए जगह पे जा रहा हूँ। और प्रभुपाद जब फ्लाइट से उतर कर आए तो उनको भक्तों को देखने से पहले ही उनको ध्वनि सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुकुंद ने सबको बोल के रखा था कि प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप जोर से हरे कृष्णा महामंत्र गाओगे। तो सारे के सारे जो 50 हिप्पी लड़के थे तो ये लोग सब जोर से कीर्तन कर रहे थे, लड़के और लड़कियां। तो प्रभुपाद को देख के बहुत सुन के पहले ही प्रसन्न हो गया कि ये लोग जो है मेरे बिना मेरे बताए हुए ये लोग पहले ही प्रचार करने के पहले ये लोग जो है हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। और कई लोगों ने जो है तो प्रभुपाद बताया जाता है कि वो खुश हो गए इसको देख के, और थोड़े वो चौंक भी गए, थोड़े वो जो है उनको लगा, अरे ये लोग कितने जल्दी भक्ति उन्होंने स्वीकार कर ली है, ऐसे करके लग रहा था। और जैसे ही प्रभुपाद आए, प्रभुपाद जो है कुछ लोगों को पहचानते थे उन 50 लोगों में से, तो प्रभुपाद उनके चेहरों की तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और सब लोग जो है जोर से कीर्तन कर रहे थे। तो मुकुंद जो है वो याद कर रहे हैं कि प्रभुपाद जब पहली बार फ्लाइट में आए, उसके बाद जैसे ही प्रभुपाद को देख हमें हम लोग प्रभुपाद को देखे तो हम लोग ने जो है मैं और मेरी बीवी जानकी ने जो है पूरी तरह से दंडवत प्रणाम किया। तो उनके साथ जो दूसरे विदेशी हिप्पी लड़के थे
और लड़कियां थी, तो उनको लगा हाँ यही तरीका है प्रभुपाद का जो है सम्मान करने का। तो वो लोग भी जो है बिना सोचे जो मुकुंद और जो जानकी कर रहे थे तो वैसे उन्होंने भी दंडवत कर दिया। फिर बताया जाता है दोनों ने एक ये हिप्पी के 50 भक्तों ने एक ऐसा जो है लाइन में दोनों खड़े हो गए और प्रभुपाद जो है दोनों के लाइन के बीच में से चलने लगे और प्रभुपाद को ये दोनों तरफ से लोग जो है फूल देने लगे और प्रभुपाद मुस्कुराते हुए ले रहे थे। फिर एलन जिन्सबर्ग सामने आया और उन्होंने एक बड़ा जो है फ्लावर्स का बड़ा बुकेट जो होता है वो दिया, प्रभुपाद ने वो भी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। और फिर प्रभुपाद यही फूल जो उन्होंने सबने दिए थे, किसी ने फूल फूल दिया था, किसी ने माला दिया था, प्रभुपाद दूसरे जो है हिप्पी लोगों को वापस देने लगे। तो फिर जब ये सब हो गया तो प्रभुपाद ने दोनों हाथ उठा के जो है लोगों को ऐसा इशारा किया कि अब आप जोर से कीर्तन करिए। तो सब लोग जो है कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद खुद हाथ से ताली बजा के उनको प्रोत्साहन दे रहे थे। और फिर ऐसा होते होते प्रभुपाद ने खुद ने हाथ उठा दिया और हाथ उठा के प्रभुपाद खुद कीर्तन में नाचने लगे एयरपोर्ट पे ही। तो देखिए प्रभुपाद कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, पहली बार विदेश में दूसरी जगह पे लोग भक्ति स्वीकार कर रहे हैं उसको देख के प्रभुपाद खुद नाचने लग गए जो है सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे। फिर बोलते हैं कि कैडिलैक जो है जो विदेशी गाड़ी थी काले रंग की वो लेकर आए थे प्रभुपाद को ले जाने के लिए। तो मुकुंद और एलन जिन्सबर्ग प्रभुपाद के साथ गाड़ी में बैठे और ये गाड़ी जो है हार्वी की थी। वो हार्वी प्रभुपाद को न्यूयॉर्क में भी उसने कई बार प्रभुपाद को गाड़ी में लेके गए थे। तो प्रभुपाद को ने पूछा कहाँ है भाई हार्वी कहाँ है, वो सामने ही बैठा था लेकिन उसने टोपी डाल रखी थी इसलिए प्रभुपाद उसको पहचान नहीं पाए। तो मुकुंद ने बोला प्रभुपाद वो गाड़ी चला रहा है। तो प्रभुपाद बोले अरे मैं तो तुमको पहचान ही नहीं पाया। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे कि मैं दूसरे जो है अमेरिका के विदेश के शहर में आया हूँ। और जैसे बताया गया है कि जितना भारत से दूर जाओगे उतना लोग भौतिकवादी होते हैं, पर यहाँ पे उनके गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण था और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि पूरे विश्व में इसका प्रचार हो। तो प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे वो लोग सिर्फ सोच रहे थे कि क्या ये विश्व भर में जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई गुमारो नाम, तो सब जगह प्रचार होगा क्या। तो एक जो है इसका एक दूसरा प्रसंग आता है जो यहाँ लीलामृत में नहीं है। प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे तो कलकत्ता में जब प्रभुपाद ने जब मकान लिया था तो उसमें जो है ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते थे अपने फैमिली के साथ बीवी और बच्चों के साथ, और फर्स्ट फ्लोर जो है उन्होंने भाड़े पे दी। तो जैसे हम लोग बेस बोलते हैं पूरे मुंबई में चल रहा है पूना में चल रहा है, तो वैसे उन्होंने वो पहला बेस जैसे दिया था गौड़े मठ वालों को। और वहां पे एक शास्त्री जी करके आते थे, तो वो शास्त्री जी वहां संस्कृत सिखाते थे उधर के लड़कों को। तो वहां पे जब वो संस्कृत सिखाते प्रभुपाद जप कर रहे थे तो प्रभुपाद को देखिए घर में प्रभुपाद को इतना मुश्किल होता था जप करने के लिए कि प्रभुपाद को जप करने के लिए घर तो ये जो सीढ़ियां थी प्रभुपाद सीढ़ियों पर बैठ के जप कर रहे थे। तो शास्त्री जी जो है वो आए और वो बोले कि ये तो मैं अभी अभी लड़कों को प्रवचन देकर आया हूँ, क्योंकि शास्त्री जी प्रभुपाद को अच्छे से जानते थे और वो क्योंकि गुरु भाई थे तो उनको बोलने लगे कि शास्त्री जी ये 1940 की बात है, 1940 की बात होगी। तो बोलने लगे अरे मैं अभी प्रवचन देकर आया हूँ बच्चों को कि पृथ्वी आचे नदगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मारो इस श्लोक पे। तो मुझे लग रहा है कि क्या ये वाकई पूरे विश्व में प्रचार हो पाएगा क्या। तो प्रभुपाद जो है उस वक्त खड़े हुए और बोले एक शिष्य भक्तिसिद्धांत ठाकुर का ये सत्य करके बताएगा करके ऐसे करके प्रभुपाद चलने लगे कि एक शिष्य जो है ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने कहा किया है कि पूरे विश्व में इसका प्रचार होगा, वो एक शिष्य करके बताएगा इसको सत्य। तब नीचे चल के जा रहे थे दो चार कदम
तब ये जो शास्त्री जी थे वो सोचने लगे, अरे मैं भी तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर का शिष्य हूँ, शायद मैं शायद तो नहीं करूंगा ये पूरा विश्व में प्रचार। तो प्रभुपाद उस वक्त चलते चलते रुके, पीछे मुड़े और शास्त्री जी को देख के बोले, आप नहीं करोगे करके। तो जब ऐसा बोला तो इतने वो शास्त्री जी घबरा गए और बड़ी मन में सोचने लगे, ये बाबू जो है अभय बाबू अपने आप को क्या समझते हैं कि ये करेंगे क्या, ये तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, ये कैसे कर सकते हैं। तो अधिकांश लोगों ने प्रभुपाद को सोचा, भैया ये तो गृहस्थ व्यक्ति है, पैसा कमाने वाला है, ये थोड़ी इतना प्रचार कार्य कर पाएगा ऐसे करके। और अभी हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद देखिए किस तरह से दूसरे शहर में आके यहाँ पे स्थापना कर रहे हैं इस्कॉन का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये न्यूयॉर्क के जैसे उन्होंने वैसे एक स्टोर फ्रंट जो छोटा सा दुकान जैसा है वो रखा था, और उसकी जो खिड़की है वो सड़क की ओर था, और उसपे उन्होंने खिड़की पे डाला था श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। और उनके लिए प्रभुपाद के लिए जो है मुकुंद ने एक और कमरा भाड़े पे लिया था जिसमें दो तीन कमरे थे। तो जैसे न्यूयॉर्क में था तो न्यूयॉर्क में जो हुआ था उसी के जैसे ही ये लोग यहाँ पे भी कार्य कर रहे थे। तो प्रभुपाद जो है पहले स्टोर फ्रंट में आए और वहां पे प्रभुपाद ने कीर्तन किया, और फिर सब लोगों को प्रभुपाद ने बोला कि देखिए कृष्ण भक्ति स्वीकार करिए, ये कृष्ण भक्ति जो है आपका जीवन सार्थक करेगा। और उसके बाद प्रभुपाद ये प्रवचन दिए और फिर कमरे की ओर चले अपने। तो वहां जब कमरे की ओर गए तो वहां पे प्रभुपाद के शिष्य और जो नए हिप्पी थे वो लोग तो आ ही गए, साथ में जो दो न्यूज़पेपर के रिपोर्टर थे, एक क्रॉनिकल और एक एग्जामिनर, तो ये जो दो मुख्य न्यूज़पेपर के रिपोर्टर थे वो लोग भी आ गए और वो भी प्रभुपाद के साथ बैठ गए। तो प्रभुपाद का जो है रणछोड़ जी जो है उस वक्त पूरा बैग वैग सब समेट रहे थे, तब तक प्रभुपाद रिपोर्टर से बात करने लगे। तो रिपोर्टर बोलने लगे, आप सबको बोल रहे थे कृष्ण भक्ति में के लिए है क्या? तो प्रभुपाद बोले, बिल्कुल आपके लिए भी है जो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो और बोल रहा है कि भले ही कोई किसी भी प्रांत से हो, किसी भी जाति से हो, अगर वो थोड़ा भी भक्ति में ट्रेनिंग प्राप्त कर लेगा तो उसका जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। तो फिर प्रभुपाद ने रिपोर्टर ने पूछा, आपके इस्कॉन का किसी को मेंबर बनना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने सीधा चार नियमों का पालन बता दिया। तो और बोला, फिर प्रभुपाद ने बताया कि हम अपने शिष्यों को कोई भी तरह का नशा करने नहीं देते हैं जिसमें चरस गांजा कुछ भी नहीं है, और हमारा जो है भक्तों को हम बोलते हैं सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और प्रार्थना करनी है। तो बोलते हैं हमारा जीवन थोड़ा तपस्या है, तपस्या भरा हुआ है, पर ये जो है भगवान का मार्ग पे चलने का यही तरीका है। तो प्रभुपाद को मालूम था कि भले ही रिपोर्टर को समझे नहीं समझे, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम था मेरे साथ कई जो थोड़े शिष्य थे प्रभुपाद के, जो मुकुंद और जानकी और ये लोग सब थे जो जानते थे, और कई नए लोग थे, तो प्रभुपाद उन लोगों को भी बताना चाहते थे, तो इसलिए प्रभुपाद जो है वो इस तरह से प्रचार कर रहे थे। तो रिपोर्टर के द्वारा प्रभुपाद का दृष्टिकोण था कि सबके सब लोगों को समझ में आ जाए कि भाई मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है। तो प्रभुपाद फिर जो है बोलने लगे कि जो अभी सरकार है वो जो है उसमें पूरी गलती है, वो गलतियां कर रहे हैं, बिना भक्ति के जब भी कोई कार्य करने जाओगे तो उसमें सार्थकता प्राप्त नहीं होगी। और प्रभुपाद बोले कि लोगों में सबसे बड़ी गलती ये है कि लोगों को लगता है दूसरों का सामान, दूसरों की जो चीजें हैं वो हमारी हैं, और वो हड़पने की कोशिश करते हैं जिसके कारण जो है सब लोग तकलीफ में हैं। वास्तविक रूप में भगवान जो है पूरे सृष्टि के कर्ता हैं, सब कुछ उनका है और जो है वो सबसे बड़े मित्र हैं। जब हम ये जान लेते हैं तब हम शांति प्राप्त करते हैं। तो भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। तो उसका अनुवाद प्रभुपाद ने बताया कि शांति आप तब प्राप्त कर सकते हो जब आप ये जानो कि कृष्ण हमारे मित्र भी हैं और वो भोक्ता भी हैं, और हमारा कार्य है उनको उनकी सेवा करना। तो जानकी पूछने लगी प्रभुपाद को, प्रभुपाद आपका प्लेन का पहला राइड कैसा रहा? तो बोले, काफी अच्छा था, सिवाय जो है कान में मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा था। तो जो है लोगों को मालूम है जो हवाई जहाज में जाते हैं तो कान में बड़ा प्रेशर आता है, इसलिए कई लोग
रुई लगाते हैं या ईयरप्लग लगाते हैं, थोड़ा कान में हवा का दबाव आ जाता है। तो प्रभुपाद बोले उसके अलावा बाकी सब बढ़िया था। फिर जब प्रसाद का समय आया तो प्रभुपाद ने सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया, और फिर रणछोड़ ने जो है सब लोगों को बोला अभी प्रभुपाद को आराम करना है, तो आप लोग सब बाद में आइएगा करके सबको भेज दिया। तो फिर जो है अगले दिन बताया जाता है प्रभुपाद का जो रिकॉर्डिंग किया था तो वो अखबारों में भी आया और टीवी चैनल पे भी आया, और उसमें बताया गया है प्रभुपाद का तस्वीर के साथ कि प्रभुपाद जो है वो यहाँ पे प्रचार के लिए आए हैं। तो मुकुंदा वो आर्टिकल पढ़ रहे थे और बता रहे थे कि एक साधु भारत से आए हैं और एलन जिन्सबर्ग उनको लेने के लिए गए, क्योंकि एलन जिन्सबर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो उनका भी स्तुति करते हुए बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद आए हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद को बताया गया था कि वो थोड़े उनका जो विचार है वो इतना खुला विचार नहीं है उनका मन का। तो प्रभुपाद बोले रहे ऐसा क्यों बोला कि ये तो मेरा खुला विचार नहीं है? तो बोले क्योंकि आपने चार चीजों का नियम बताया है, मुकुंद ने बोला। तो प्रभुपाद बोले हाँ वो तो है, तो हम जो है शास्त्र पालन कर रहे हैं। बोले जो गीता में बताया गया है, जो शास्त्र में बताया गया है, वो हम छोड़ नहीं सकते। तो उनको लग रहा होगा कि हम खुले विचार के नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु भी खुले विचार के नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु तो इतने कड़क थे कि वो एक स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, पर हम तो सभी लोगों को स्वीकार कर रहे हैं, किसी भी धर्म से लोग आ रहे हैं और उनको हम जोड़ रहे हैं हरे कृष्ण महाप्रभु को। तो अगर आपको लग रहा है कि हम खुले विचार के नहीं है तो ठीक है करके, तो प्रभुपाद जो है ऐसा बोल के जो है स्वीकार किए कि भाई हम जो है सीधा इनको पूरी तरह से महाप्रभु और गीता में जो बताया गया शिक्षण को पालन करना है। तो प्रभुपाद को जैसे मैंने बताया कई बार बताया गया था कि अगर आप एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो है कम कर दें अपने चार रूल्स में से, विशेष रूप से नो इलिसिट सेक्स, तो आपको और हजारों हजारों की संख्या में शिष्य पूरे विश्व भर से मिल सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल उस बात को एनकरेज नहीं किया, प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल नहीं यह असंभव है, और प्रभुपाद जो है स्ट्रिक्ट थे इस बात को लेके कि भसन करने के लिए नहीं कर रहे हैं भक्ति, जो शास्त्रों में दिया है वो हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो आइए अभी हम भागवतम में चर्चा करते हैं 21वें अध्याय पे। 21वें अध्याय में है महाराज पृथु जो है शिक्षण दे रहे हैं। तो इसमें पांच भाग है इस अध्याय में। तो पहला भाग है 1 से 10 श्लोकों में, जिसमें जितने भी महाराज पृथु के प्रजा है वो उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो उसका वर्णन है तो कैसे वो उनका स्वागत कर रहे हैं, वो पहले 10 श्लोकों में है। फिर 11 से 20 श्लोक में कि मैत्र ऋषि जो है वो बताते हैं पृथु महाराज कैसे राज कर रहे थे, और उनका शारीरिक सौंदर्य और उनका वाक शक्ति, वो किस तरह से बोलते थे, किस तरह से कार्य करते थे, उनका राजपाट कैसे था, वो 11 से 20 श्लोकों में मैत्री ऋषि बता रहे हैं। फिर 21 से 36 श्लोकों में जो है पृथ्वी महाराज शिक्षण दे रहे हैं प्रजा को, तो वो वर्णन है। फिर 37 से 44 पृथ्वी महाराज जो है ब्राह्मण और वैष्णव की महिमा का वर्णन करते हैं। और फिर आखिरी भाग में 45 to 52 जो आखिरी भाग है उसमें जितने भी प्रजा है वो पृथ्वी महाराज की स्तुति करते हैं। तो ये जो है पांच भागों में पूरा शास्त्र, पूरा ये 21वां अध्याय जो है बांटा गया है। तो अभी हम जो है पहले 10 श्लोकों में जो बताया गया उस पर चर्चा करेंगे आज कि कैसे जो प्रजा है वो उनका अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है। तो पहले श्लोक में आ रहा है मैत्री ऋषि बता रहे हैं और कि कैसे जब वो प्रवेश किए शहर में तो शहर कैसे उन्होंने सजा के रखा था। तो यहाँ पे बताया जाता है शहर को सजाने के लिए उन्होंने मोतियों का इस्तेमाल किया था, फूलों का इस्तेमाल किया था, और अलग अलग तरह के रेशम के कपड़े और जो है खुशबूदार अगरबत्ती, और यहाँ तक कि यहाँ बोलते हैं कि उन्होंने एक ऐसा खुशबू फैलाया था जो पूरे शहर को
जो है खुशबूदार कर रहा था, जिस तरह से हम लोग इत्र बोलते हैं या एक तरह से जो खुशबू होती है वो, तो मोतिकाय मतलब जो मोती है उससे, और कुसुमा जो फूल है, और विदेशम के जैसे मैंने बताया वो भी सोने के रंग के कपड़े थे, उससे उन्होंने पूरा पूरा शहर सजाया था, और एंटायर सिटी वॉज परफ्यूम विद हाईली फ्रेग्रेंट इंसेंस, तो बोलते पूरा शहर जो है खुशबूदार किया था। देखिए अभी कलयुग में हम देखते हैं कि कोई जो उनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो एक बहुत महंगा महंगा सेंट या खुशबू लेते हैं और वो लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं अपने कपड़ों पे और ऐसे, पर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है पूरा का पूरा शहर को उन्होंने खुशबूदार बना दिया था। तो मतलब प्राचीन काल में उनके पास इतना जो है सामग्री थी, इतना उनके पास सामर्थ्य था पूरे शहर को खुशबूदार बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वास्तविक रूप में अगर आपके पास ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य किसमें है, सोने में, चांदी में, मोती में और कीमती पत्थरों में, तो वो असली ऐश्वर्य माना जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वैदिक शास्त्रों में जो ऐश्वर्य है वो सब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और उससे जो है मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है और पूरी तरह से आध्यात्मिक हम आनंद प्राप्त करने लगते हैं करके। फिर बोलते हैं कि दूसरे श्लोक में कि चंदन का जो है वो चंदन का लेप लगाया था उन्होंने और अगुरु की खुशबू आ रही थी, और ऐसे जो है पूरे के पूरे शहर में फूल, फल और अनाज और कई कई जगह पे दिए सब लगा के उन्होंने ये जो है स्तुति की थी। तो जब हम ये वर्णन कर रहे हैं चंदन का और इनका, तो हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में ये चीजें का पूरा तरह से प्रयोग होता है। तो बोलते हैं जब राधा कृष्ण की सेवा होती है वहां पे तो साथ साथ कीर्तन होता है, ये हम गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ शंख बजते हैं, घंटी बजती है, करताल बजता है, मृदंग बजता है। तो जो करताल मृदंग हम लोग संकीर्तन में उपयोग करते हैं ये आध्यात्मिक जगत में भी है, और उसका जो ध्वनि है वो इतना मधुर रहता है जिसका हम भौतिक जगत में कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें लगता है जब मृदंग बजता है तो जो है हम लोग जैसे यहाँ मृदंग बजाते हैं वैसा है। हाल ही में गोवर्धन इको विलेज में गया था, वहां पे पूरे फाइबर के मृदंग हैं पूरे जीवी में, मंदिर में, टेंपल हॉल में, जहाँ भी सत्संग प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे जो क्ले मृदंग है उससे बदल के फाइबर का पूरा मृदंग लाए हैं, और मैंने बजा के भी देखा था वो फाइबर का मृदंग का एक अलग ही आवाज आ रहा था। तो जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं एक अलग अलग जो है, अगर आपको फाइबर के जैसे मृदंग मिलते हैं पूरा प्लास्टिक बॉडी का, वैसे बोलते हैं क्ले का जो होता है, मिट्टी का होता है, उसका सबसे उत्तम आवाज आता है, पर इसका भी बहुत मधुर ध्वनि आ रहा था। तो ये सब चीजें जो है आध्यात्मिक जगत में भी हैं। और बोलते हैं उधर विशाखा देवी और प्रिय नर्म सखी जो है उनको चामर सेवा करते हैं जिससे उनको गर्मी में थोड़ा अच्छा लगे, ठंडा लगे। फिर अनंग मंजरी जो है चंदन का लेप बनाती है, तो चंदन में भी जो है चंदन के लेप में कई खुशबूदार चीजें डालते हैं वो लोग जिससे और उसका खुशबू बढ़े। तो चंदन पहले ही खुशबूदार है, उसमें और ये लोग डालते हैं कैम्फर या वगैरह चीजें, कपूर, जिससे और उसकी खुशबू बढ़े। और फिर जो है फूलों की माला भगवान को चढ़ाते हैं। तो देखिए अभी आने वाले महीनों में गर्मी आएगी तो फिर उसमें चंदन यात्रा प्रारंभ होता है जहाँ चंदन घस के हम भगवान को लगाते हैं। तो ये हम हर साल गोपाल जी विग्रह को लगाते हैं अपने मंदिर में राधा गोपीनाथ में, पर यही चंदन लगाने की विधि जो है वो आध्यात्मिक जगत में भी है। ये मैं भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे श्लोक में चंदन और अगरू का वर्णन आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब आध्यात्मिक जगत में भी होता है। फिर बता देते ललिता देवी जो है पांच दिए का जो है उसमें कपूर लगा के आरती करती है। तो यही ये जब चीजें हैं जो हम भौतिक जगत में कर रहे हैं, भगवान के लिए फूलों की माला बनाना, भगवान की आरती करना, भगवान को चंदन लगाना, भगवान को चामर करना, तो ये सब चीजें आध्यात्मिक जगत में भी लागू होती है। तो वही चीजें हम भौतिक जगत में कर रहे हैं, और जितना हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा हम समझ पाएंगे कि ये वास्तविक रूप में राधा कृष्ण की सेवा में हम नियुक्त कर रहे हैं।
तो बोलते हैं पार्वती और लक्ष्मी, पार्वती अर्थात शिव की भार्या और लक्ष्मी देवी, और जो वेद साक्षात है वो लोग जो है ये देख के उनके आंखों में से आंसू आने लगते हैं, और वो लोग भी जो है पार्वती लक्ष्मी और वेद साक्षात वो भी नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं व्रज भूमि के व्रजवासियों का और गोपियों का जो है सेवा देखकर। तो ये हमें समझना चाहिए कि इतना उत्तम कोटि का सेवा है जिसको जो है पार्वती लक्ष्मी और वेद साक्षात वो भी स्तुति करते हैं। तो अभी यहाँ पे तीसरे श्लोक में वर्णन आ रहा है कि सब जगह सड़कों पे जो है गुच्छे फलों के और फूलों के लगा के रखे थे, और जो केले के पेड़ है वो उन्होंने लगा के रखे थे। तो याद रखिए कहीं पे भी आपको जब कोई डेकोरेशन करना हो या श्रृंगार करना हो तो उसमें केले के पेड़, केले के पत्ते और पूरे जो है गुच्छे फलों के या फूलों के बहुत सौंदर्य देते हैं। ये जो है यहाँ भागवत में वर्णन आ रहा है किस तरह से उन्होंने डेकोरेशन किया था। आप कभी भी जाएंगे यहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में, तो आप देखेंगे हमेशा वहां पे ऐसे पूरे फूलों से भरे रहते हैं ऑल्टर। तो अलग अलग फूल नहीं तो कभी सिंपल जो गोंडा होता है तो उसका भी उन्होंने इतना जो है भारी मात्रा में भर देते हैं कि पूरा मंदिर इतना खूबसूरत लगता है। तो अभी फिर चौथे श्लोक में आ रहा है कि पूरे के पूरे द्वारों पे उन्होंने दिए लगाए थे और फूल रखे थे और दही भी रखा था, दही को भी शुभ माना जाता है। और अविवाहित लड़कियां जो है वो अच्छे से गहने पहन के, कान में बाली पहन के वो लोग सब आए थे सेवा करने के लिए। तो अभी यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सुपारी होता है, भी हम लोग सुपारी खाते नहीं है पर यहाँ पे चौथे श्लोक में सुपारी का वर्णन आया है। बोलते केले और गेहूं और कुमकुम ये सब चीजें जो है वो उन्होंने सब जगह डाल के रखे थे जिसे बहुत शुभ माना जाता है। और वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि राजा गुरु और जब बहू आती है, जब लड़की का विवाह होता है तो इन सब चीजों से उनकी उनका स्वागत करना चाहिए। तो फिर बोलते हैं जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनको भी जो है शुद्ध माना जाता है अंतरंग रूप से और बाहर के रूप से, मतलब अंदर और बाहर से दोनों से, कि जो अविवाहित लड़कियां हैं तो उनको भी शुभ माना जाता है। तो कुमारी शब्द का प्रयोग आया है इस श्लोक में। तो कुमारी मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनको जो है पुरुष ने कभी स्पर्श नहीं किया हो। तो बोलते हैं आज भी हिंदू समाज में प्रभुपाद लिखते हैं कि वो लोग लड़कियों को लड़कों से मिलने नहीं देते हैं और वो लड़कियों को बहुत संभाल के रखते हैं जब तक उनका विवाह नहीं होता। तो और विवाह के बाद में उनको जो है पति संभालते हैं और फिर जब जब वो उनका उम्र हो जाता है तो उनके बच्चे उनको संभालते हैं। मतलब स्त्रियों को हमेशा संभाल के रखा जाता है हमारे समाज में। तो बोलते हैं प्रभुपाद अंतिम लाइन में लिख रहे हैं जब स्त्रियों को ऐसा बोलते हैं ना रक्षण देते हैं, आश्रय देते हैं, तो दैट वुमन एज अ क्लास रिमेन्स ऑलवेज ऑस्पिशियस सोर्स ऑफ एनर्जी टू मैन। अर्थात जब स्त्रियों को ऐसे संभाल के रखते हैं तो उससे पुरुषों को बहुत जो है एक शक्ति प्राप्त होती है जिससे वो कार्य कर पाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे वर्णन है चौथे श्लोक में। तो अभी पांचवें श्लोक में महत्वपूर्ण विषय आ रहा है कि शंख बज रहे थे, ढोल बज रहे थे और जब वो महल में प्रवेश किए वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और कई ब्राह्मण जो है वेदों में से शास्त्रों में से जो है श्लोक बोल रहे थे। इतना सब होने के बावजूद जो है कि जो राजा थे पृथ्वी महाराज उनपे जरा भी असर नहीं हुआ। इसका मतलब प्रभुपाद लिखते हैं वो जरा भी उनमें अहंकार का भाव नहीं आया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अहंकार जीव में नहीं आना चाहिए। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि जो महान भक्त होते हैं वो कभी भी अहंकारी नहीं होते। और उदाहरण देते हैं एक पेड़ का, जिस पेड़ पे बहुत सारे फल और पुष्प होते हैं वो सीधा खड़ा नहीं रहता, वो झुका रहता है नम्रता से। तो ये नम्रता का प्रतीक है, जिस पेड़ पे बहुत सारे फल होते हैं वो झुके रहते हैं। तो ये बोलते हैं उसी प्रकार से ये एक बहुत अच्छा गुण है
एक महान भक्तों का कि वो हमेशा नम्रता से झुके रहते हैं। ध्यान रखिए, जो हम भागवत में चीजें सुन रहे हैं ये सब हमें अपने जीवन में उतारना है, हमें सीखना है। जैसे बोलते हैं किसी का धन अगर चला जाए तो वापस से उद्योग में बिजनेस में काम करके उनको धन प्राप्त हो सकता है। अगर किसी का जो है ज्ञान चला जाए तो वो फिर पढ़ाई कर सकता है और वापस से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो फिर से जो है दवाई खा के आराम करके अपनी तबीयत ठीक कर सकता है। लेकिन अगर किसी का समय चला जाए तो वो समय वापस नहीं ला सकता। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में समय है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है, हमारा समय खत्म होते जा रहा है, तो हमें जो है समय का मूल्य जानना जरूरी है। और हमें हर एक दिन में जो है काफी परिश्रम करके अध्यात्म में जो है अब तरक्की करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अंग्रेजी में कहावत है, लाइफ विदाउट एंडेवर इज लाइक एंटरिंग अ ज्वेल माइन एंड कमिंग आउट एम्प्टी हैंडेड। अर्थात आपने जीवन में अगर मेहनत नहीं किया अध्यात्म के लिए, तो मानो आपका जीवन कैसा है, जैसे आप कोई खजाना के कमरे में गए, खजाना था उधर पूरे जगह पे, लेकिन आपने कुछ उठाया नहीं, खाली हाथ ही वापस आ गए। तो बोलते हैं वैसा है कि यू एंटर अ ज्वेल माइन, मतलब खजाने का पूरा एक जो है गोदाउन में गए पर आप कुछ उठाए नहीं, ऐसे खाली हाथ वापस आ गए। तो उसी प्रकार से अगर हम अध्यात्म में चेष्टा न करें तो फिर हमारा जीवन इतना सफल नहीं है। तो अभी यहाँ पे फिर आगे छठे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, जितने भी प्रजा आए थे तो वो सब जो है राजा से मिल पाते हैं और राजा का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जो है छठे श्लोक में बताया गया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि जो राजा थे वो आज के सरकार के जैसे नहीं थे, क्योंकि आज के सरकार जो है जो प्रजा है उनका दुख दूर करने में सक्षम नहीं है और ना ही वो लोग मिल पाते हैं जो है सबसे जो उत्तम प्रतिनिधि हैं उससे। पर पहले के राजा जो है दोनों, एक तो मिलते थे सभी प्रजा के लोगों से और दूसरा उनके जितने भी दुख तकलीफ थे उसको दूर करने में पूरी तरह से जो है शक्तिशाली थे वो। अभी सबको मालूम था पृथु महाराज भगवान के जो है शक्तावेश अवतार है, इसलिए सब लोग उनको पूज रहे थे और उन्होंने इतने अच्छे से कार्य किया था जिससे सब लोग जो है उनकी स्तुति कर रहे थे। और फिर बोलते हैं कि उन्होंने, सबको मालूम था कि उन्होंने जो है भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की है, साक्षात दर्शन प्राप्त किया था भगवान का। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं तो एक राजा का क्या कर्तव्य है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। दो कर्तव्य बताते हैं कि वो यज्ञ करें जो शास्त्रों में बताया गया है। तो कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। तो कलयुग में आप कोई दूसरा यज्ञ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको संकीर्तन यज्ञ ही करना है, वही इस कलयुग के लिए सबसे प्रभावशाली। फिर बोलते हैं दूसरा राजा का कर्तव्य है कि जो प्रजा है वो जो है पूरी संतुष्टि से जो है भक्ति कर सके, जिससे वो प्रगति कर सके आध्यात्मिक जीवन में। तो राजा का एक कर्तव्य है कि वो खुद संकीर्तन में भाग ले और दूसरा राजा का कर्तव्य है कि जो प्रजा है उनको मदद करे और उनकी जो भी मुश्किलें हैं तकलीफें हैं वो हटाए, जिससे वो आराम से जो है यज्ञ में भाग ले सके, जिससे उनका जीवन भी सार्थक हो सके। तो इसलिए उनको महात्मा बताया गया पृथु महाराज को। महात्मा मतलब सबसे महान है वो, क्यों, क्योंकि वो यज्ञ में भाग ले रहा। तो प्रभुपाद बताते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी वर्ण के हों। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भले ही अभी आज के समाज में आप देखें तो आपको कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं दिखेंगे, क्षत्रिय नहीं दिखेंगे, वैश्य नहीं दिखेंगे, शूद्र नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे कार्यों से मालूम चलता है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि जो टीचर है और वो लोग ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, जो
मिलिट्री में काम करते हैं, सेना में काम करते हैं वो क्षत्रिय है, फिर जो बिजनेस करते हैं वो वैश्य है, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं वो लोग शूद्र हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि भले ही ये चारों वर्ण आज के तारीख में कलयुग में 2021 में नहीं दिखेंगे, पर हमारे हम किस व्यवसाय में हैं उससे मालूम चलता है हम इस चार वर्ग में से कौन से वर्ण में हैं। और प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हम कोई भी वर्ण में हो लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त करना, जिसे परम पदम करके बताया गया है। ये जो है सातवें श्लोक में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, परम पदम मतलब ये वैकुंठ लोक की बात कर रहे हैं, और इसको प्राप्त करने का तरीका सिर्फ भक्ति से है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अब ये मायावादियों के बारे में थोड़ा बता रहे थे कि अगर आप कोई विमान लेके आसमान में चले जाएं, लेकिन जब तक आपको कोई जगह नहीं मिलेगा तब तक आप वो विमान वहां रख नहीं सकते, और आपको वो विमान लेके वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो मायावादी होते हैं वो लोग ब्रह्म ज्योति में जाने की कोशिश करते हैं और वो वैकुंठ नहीं जाते, तो ब्रह्म ज्योति में वो ज्यादा समय नहीं रुक पाते हैं, इसलिए वो कुछ समय के बाद वापस से भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो बोलते हैं और फिर वापस से वो उनको ब्रह्म लोक या सत्यलोक में आना पड़ता है, और वापस से इस भौतिक जगत में उनको जो है जन्म लेना पड़ता है। तो ये मायावादी का बारे में प्रभुपाद ऐसा बोलते हुए अंत करते हैं। तो ये सुत गोस्वामी जो है शौनक आदि गण को बता रहे हैं क्या संवाद हो रहा है पूरा, ये आठवें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे मैत्र ऋषि ने जो बताया तो वो पूरा सुनने के बाद पृथु महाराज के बारे में बोलते हैं वो कैसे उनमें जो गुण थे और उसके कारण पूरे पृथ्वी पे उनका गुणगान हो रहा था। तो विदुर जी जब ये सुन रहे थे तो बहुत नम्रता से सुने मैत्र ऋषि से और उनसे और प्रश्न पूछने लगे। तो देखिए जब प्रश्न पूछना होता है तो ये एक जो है लक्षण है कि वो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और उनको और सुनने की इच्छा है और सुनने का उनको जो है अभिलाषा है। तो यहाँ पे वही चीज स्पष्ट में वर्णन किया गया है कि विदुर जी मैत्रेय को और प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नौवें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि ये जो थे विदुर बोल रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि आप मुझे कृपा करके पृथु महाराज जो है इट इज वेरी एनलाइटनिंग टू अंडरस्टैंड दैट किंग पृथु वाज एनथ्रोन्ड बाय द ग्रेट सेजेस एंड ब्राह्मणस। तो जितने भी ब्राह्मण और साधु थे उन्होंने पृथु महाराज को राजा बनाया था, और जितने भी देवतागण थे उन्होंने भी बहुत सारे भेंट दिए थे उनको, और उनको पास जो शक्ति आई थी वो साक्षात विष्णु भगवान की शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने पूरे पृथ्वी का जो है कल्याण किया, पूरा पृथ्वी का जो है उन्होंने उद्धार किया था। तो ये हमने बताया हुआ है कि कई बार मैंने आपको बताया ये श्लोक, ये पद्म पुराण में से एक श्लोक आ रहा है, द्वौ भूतो स्वर्ग लोकेस्मिन् दैव आसुरेव च विष्णु भक्तो स्मृतो देव आसुर तद्विप्रय। तो मैं हमेशा ये दूसरा लाइन हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, विष्णु भक्तो स्मृतो देव आसुर तद्विप्रय। इसका मतलब है कि दो तरह के लोग हैं इस भौतिक जगत में, एक होते हैं देव और एक होते हैं दानव, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो बोलते हैं डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड विष्णु आर गॉडली, मतलब विष्णु भगवान के भक्त हैं तो वो देव हैं, और जो उसके विपरीत हैं वो पूरे दानव। तो विष्णु भक्तो स्मृतो देवो, जो लोग भी विष्णु के भक्त हैं कृष्ण के भक्त हैं वो देव, और बाकी आसुरस्त विप्रय, विप्रय मतलब विपरीत, जो विष्णु के भक्त नहीं है फिर भले वो देवताओं के भक्त हो भले वो किसी दूसरे धर्म के लोग हो, विष्णु भक्त को छोड़ के बाकी सब दानव हैं। ये थोड़ा हेवी है लेकिन ये पद्म पुराण में से श्लोक है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ साक्षात रूप से वर्णन किया गया है कि सिर्फ विष्णु के भक्त ही देव हैं, बाकी सब दानव। तो उस कैटेगरी से आप देखेंगे तो डिवोटीज को छोड़ के सबके सब दानों के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फिर जो है दूसरा एक पद्म पुराण का श्लोक है जो बताता है कि अगर हम जो अवैष्णव हैं उसके मुख से सुनते हैं हरि कथा तो उसका क्या असर होता है। तो बोलते हैं अवैष्णव मुखो दीर्घनम
पूतम हरि कथाम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उचितम यथा कया। सर्पोचिष्टम मतलब जो सांप होता है अगर वो दूध को स्पर्श कर ले तो पूरा दूध जहरीला हो जाता है। देखिए दूध हमको मालूम है कितना पौष्टिक होता है, लेकिन वही सर्प का मुख से छुआ होगा तो पूरा का पूरा दूध जहरीला हो जाता है। तो बोलते हैं कृष्ण कथा भी अगर आप अवैष्णव से सुनेंगे तो उसका असर जहर के समान होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप कहीं से भी कथा नहीं सुन सकते, कहीं से भी आप नहीं सुन सकते। इस्कॉन के भक्तों से सुन रहे हैं तो उत्तम है, लेकिन बाहर कहीं से भी आप सुनेंगे तो हो सकता है वो आपका भक्ति में प्रगति कराने की जगह जो है वो जो है आपका भक्ति में जो है आपका पतन का कारण भी बन सकता है, वही कृष्ण कथा। तो हम किसी के मुख से भी नहीं सुन सकते, विशेष रूप से बाहर के अभक्त लोग जो होते हैं वो लोग कथा करते रहते हैं तो वो जो है सही नहीं है। तो ये पद्म पुराण के जो है श्लोक में मैंने हमने चर्चा किया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी किसी भी परिस्थिति पे हो, या तो राजा हो, ये नौवे श्लोक के तात्पर्य में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राजा हो या प्रधानमंत्री हो जो भी हो, या कोई जो किसी भी इसमें नेता के कोई भी पदवी पे हो, बोलते हैं ये जो अध्यात्म का हमने मार्ग बताया है उससे जो है हर कोई सुखी रह सकता है और उससे वो भक्ति करके भगवान को प्राप्त हो सकता है। तो कोई एक बोलते हैं ना ऐसा रॉकेट साइंस जैसे बोलते हैं, रॉकेट साइंस अर्थात जो है विमान जो हवा में भेजते हैं तो उसका एक अलग विज्ञान होता है जो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कुछ मुश्किल नहीं है, सबके लिए सरल तरीका है, भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करके हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो ये मुख्य चीज है जो बार बार हमें अपने मन में जो है दोहरा के इसको समझना चाहिए। फिर बोलते हैं अभी ये दसवें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि पृथ्वी महाराज इतने पूर्वीन थे, इतने सक्षम थे जो है कार्य करने में, जिसे सारे राजा और देवतागण जो है पूरी तरह से उनके पद चिन्ह पे चल रहे थे। सब लोग जो है उनका जो कार्य कर रहे थे वो कार्य पे जो है उसी तरह से वो लोग उनके साथ सेवा कर रहे थे। और फिर बोलते हैं हु इज देयर हु विल नॉट ट्राई टू हियर अबाउट हिज ग्लोरियस एक्टिविटीज। विदुर जी बोल रहे हैं कि कौन पृथ्वी महाराज की कहानी नहीं सुनना चाहेगा। तो बोलते हैं मैं तो पृथ्वी महाराज की कहानी और सुनना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही शुभ है और ये और शुभता पूरे विश्व में फैलाएगा। तो यहाँ पे भी वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में दसवें श्लोक में कि सेंट विदुरा पर्पस इन हियरिंग अबाउट पृथ्वी महाराज ओवर एंड ओवर अगेन वाज टू सेट एन एग्जांपल फॉर किंग्स एंड एग्जीक्यूटिव हेड हु शुड ऑल एंड बी इंक्लाइंड टू हियर रिपीटेडली पृथ्वी महाराज एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू एबल टू रूल ओवर द किंगडम और स्टेट्स वेरी फेथफुली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल इन द जनरल। अर्थात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्यों विदुर जी बार बार पृथ्वी महाराज का सुनना चाहते थे, जिससे आज के जितने भी राजा हैं या नेता हैं उन सबको पृथ्वी महाराज का जीवन चरित्र सुनना चाहिए। अभी हम लोग पृथ्वी महाराज का जीवन चरित्र इतने महीनों से, इतने हफ्तों से कम सुन रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पृथ्वी महाराज क्योंकि पूरी तरह से कृष्ण भक्ति कर रहे थे और उन्होंने पूरी तरह से कृष्ण भक्ति स्थापना की थी। तो बोले जो भी इनके बारे में सुनेगा तो वो समझेगा कि कैसे कृष्ण भक्ति अपने जीवन में करना है और दूसरों को कैसे कृष्ण भक्ति में प्रोत्साहन करना। प्रभुपाद बताते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश किसी को आज के तारीख में पृथ्वी महाराज की कथा सुनने में रुचि नहीं है, ना ही उन्होंने जिस तरह से पूरा राज्य को संभाला था उस तरह से किसी को संभालना है। उसका परिणाम क्या हो रहा है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर रहे जो जीवन का असली लक्ष्य है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है प्रभुपाद बता रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हुए खुश रहना, तो वो जीवन का लक्ष्य है। तो वो कोई भी नहीं कर रहा आज के तारीख में, क्यों, क्योंकि किसी को भी पृथ्वी महाराज के बारे में श्रवण नहीं करना। तो देखिए बात वहीं पे आ जाती है वापस से कि जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से जो है हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं और हम जो है भगवत धाम की ओर अग्रसर होते हैं।
तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम की ओर तरक्की करना, जिसके लिए श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, और वो करने से जो है हम संपूर्ण रूप से जो है आनंदित या संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये जो है हमने पहला 10 श्लोकों में जो है सुना है। अभी आने वाले जो है 4 भागों का हम लोग कल कथा सुनेंगे विस्तार पूर्वक में। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, भक्ति विनोद ठाकुर जो है उन्होंने एक बहुत प्यारा भजन लिखा हुआ है जो भक्तों के बीच में बहुत प्रिय है, और उसके सिर्फ 1-3 पंक्ति आज हम चर्चा करेंगे। और इस पंक्तियों में भक्ति विनोद ठाकुर आपके और हमारे जीवन का बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि कैसे हम भगवान को भूल के अपने भौतिक जीवन में कैसे हम फंसे हुए हैं। तो ये पहला पंक्ति है, शरणागति उनकी किताब है जिनमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है, उसमें से मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो है गीता पे थोड़े श्लोक चर्चा करेंगे। तो बोलते हैं, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे न विधा ज्ञाता, तुम्हारा चराने आसिया च्यामी बोली बो दुखे रखाता। तो बोलते हैं भूलिया तुम्हारे, ये जो है पहला इसमें बोल रहे हैं कि हम लोग भगवान को भूल चुके हैं, और भगवान को भूलने के कारण हम लोग कहाँ आके फंसे हैं, संसार आसिया इस संसार में आके फंसे हुए हैं। और पेय न विधा व्याता, मतलब उधर हम लोग इस भौतिक जगत में अलग अलग तरह के मुश्किलें और तकलीफों से फंसे हुए हैं। तो बोलते हैं अभी हम वापस से भक्ति विनोद ठाकुर भजन में गा रहे हैं, तुम्हारा चरण आसिया चामी, कि अभी मैं आया हूँ वापस से आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए, और अपना दुख भरा जो है गाथा जो है मैं आपको सुना रहा हूँ कि भाई मैं आपको भूल के इस भौतिक जगत में अलग अलग तरह से जो है परेशान हूँ, फंसा हूँ। अभी हम लोग जब गर्भ में होते हैं तो क्या होता है, ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं दूसरे पंक्ति में, जननी जटरे चिन्ह मचकोने विषम में बंधन पाशा, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे वंचिले दिने दासे, वंचिले दिने दासे। तो बोलते हैं हम लोग जब माँ के गर्भ में थे तो इतने तकलीफ में थे, तब उसमें उस समय जो है आपका हमने स्मरण किया, और जो है स्मरण करके लेकिन फिर हम वापस से उसी परिस्थिति में बुरी तरह से जो है फंस गए। और तब हम लोगों ने स्मरण करते हुए क्या बोला कि मैं इसमें आपका भजन करूंगा, तखन भविनो जन्म पाइया करीबो भजन तवा करीनो भजन तवा। तब हमने बोला था जब माँ के गर्भ में थे कि हम आपका भजन करेंगे, और जैसे ही फिर जब हमारा जन्म हो गया तो फिर से हम माया के जाल में फंस गए, और जन्म हुईलू पड़े माया जाल, जन्म होते ही खेल कूद में छोटे बच्चे से लग गए हम लोग, और फिर ये माया के जाल में फंसते हुए हम भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या है, भक्ति करना, भगवान को याद करना। तो देखिए हर बालक जब माँ के गर्भ में होता है वो प्रार्थना करता है भगवान से। ये हमने जो हम 3रा स्कंद पढ़ रहे थे तो कपिल मुनि के शिक्षण में भी देखा था, जंतुर उवाचा अगर याद होगा तो, कि जंतु जो है वो माँ के गर्भ में रहते हुए प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस विकट परिस्थिति से बाहर निकालिए, मैं आपका आके बाहर निकल के भक्ति करूंगा और मैं जो है आपका नाम भजन करूंगा। और बोलते हैं जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो फिर जो है पूरे बाहर की दुनिया में हम लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं, और वो जो हमारा भक्ति करने की इच्छा थी वो गायब हो जाती है, हम भूल जाते हैं। और फिर बोलते हैं बचपन से फिर हम खेल कूद में लग जाते हैं। सो फिर 4थे श्लोक में बोलते हैं कि जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तो हम अपने परिवार वालों के गोदी में खेलते रहते हैं, और पूरा समय हम खेलते हुए नाचते हुए निकाल देते हैं, और माता की गोदी में माँ बाप की गोदी में हम लोग भूल जाते हैं कि हमने अपने तकलीफ झेला था, और हमें ये लगने लगता है कि ये जो दुनिया है वो बहुत उत्तम है आनंद करने के लिए। और फिर जैसे ही हम बड़े होते हैं तो फिर हम दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, और हम सोचने समझने लगते हैं, और फिर पढ़ाई करके जो है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर बोलते हैं कि विद्या विद्यारे गौरव भ्रमी देशे देशे, फिर
जो है हमको गर्व हो जाता है कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया है और हम ब्रह्मी देशे देशे, मतलब हम एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं पैसा कमाने के लिए और अपने परिवार का पोषण करने के लिए, और उसमें पूरा हमारा ध्यान चले जाता है और भगवान को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो देखिए, एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा हमारा जीवन का जो है ब्रीफ, बोलते ना एक जैसे ट्रेलर जैसे दिखाते हैं, वो बता दिया कि पहले हम भगवान को भूल के यहाँ आ जाते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं, वहां पे हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे ही पैदा होते हैं तो फिर हम खेल कूद में लग जाते हैं, फिर बड़े होते हैं जो है ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर ज्ञान अर्जित करके पैसा कमाने के लिए गर्व से हम लोग देश देश घूमते रहते हैं और पूरा हमारा मन जो है अपना परिवार का पोषण करने में चला जाता है और हम भगवान को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, अभी जो है मैंने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया है ऐसे सब व्यर्थ की चीजों में, तो अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें और मुझे भक्ति में मार्गदर्शन करें। देखिए, अभी हम जो है एक श्लोक में पूरा ओवरव्यू जो है हम सुन चुके हैं, अभी हम वापस से जो है अपने गीता के श्लोकों पे आ जाते हैं। गीता में हमने जो है 21-22 श्लोकों तक चर्चा किया हुआ है, जिसमें बताते हैं हमने 22वां श्लोक में सुना था, वासांसि जननानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जननान्य अन्यानि समयानि नवानि देहि, कि ऐसा है जैसे हम लोग पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और नए कपड़े स्वीकार करते हैं, तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि आत्मा जो है पुराना शरीर छोड़ देती है और नया शरीर प्राप्त करती है। तो ये हमने कल चर्चा किया था, अभी 23वें श्लोक में हम लोग चर्चा करते हैं। नैनम चंदन दे शस्त्राणि नैनम देहति पावका न चैन्यम क्लाद्यं तापो न शोषति मारुता। तो 24 और 25वां श्लोक भी ले लेते हैं, फिर साथ में हम प्रभुपाद के तात्पर्य देख लेंगे। फिर बोलते हैं अचेतोयम अधायोयम अखिल दोषोष एवच नित्य सर्वग्रस्तानो अचालुयम सनातनो अव्यक्तोयम अचिन्तोयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुं शोचति मर्हसि। तो इसको जो आत्मा होती है 23वें श्लोक में बताया गया है कि वो छत्र से कट नहीं सकता, अग्नि से जल नहीं सकता, और पानी से वो सूख नहीं सकता, हवा से जो है उसको जो है सुखा नहीं सकते, तो ये सब हाँ पानी से गीला नहीं हो सकता और जो है हवा से सूख नहीं सकता। तो ये सब चीजें बतला रहा है कि कैसे जो आत्मा है वो अमर है, ये जो पहले के श्लोकों में बताया गया और फिर 23वें श्लोक में बताया है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि तलवार है या जो है अग्नि के जितने अस्त्र शस्त्र हैं या बरसात है, और ये सब कोई भी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता। और बोलते हैं हमारे वैज्ञानिकों को सिर्फ एक ही अस्त्र मालूम है जो अग्नि से उत्पत्तित होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अस्त्र हैं हवा से बने हुए और जो है पानी से बने हुए अस्त्र, तो इन सब चीजों का अस्त्रों का जो है वैज्ञानिकों को मालूम नहीं है। जैसे बोलते हैं कई अस्त्र ऐसे होते हैं जो तूफान के रूप में आते हैं, लेकिन इन सभी अस्त्रों का आत्मा पे जो है बिल्कुल असर नहीं हो सकता, इसका मतलब आत्मा हमेशा अमर रहती है। तो बोलते हैं जैसे अग्नि का चिंगारी होता है, तो वो अग्नि का चिंगारी पूरा अग्नि के सारे गुण उसमें रहते हैं। तो बोलते हैं उसी तरह से वरा पुराण में बताया गया है कि हम लोग भगवान के अंश हैं जो अलग हो गए हैं इस भौतिक जगत में। तो बोलते हैं कि भगवद गीता में भी यही चीज बताया गया है, तो सो इवन आफ्टर बीइंग लिबरेटेड फॉर इल्यूजन द लिविंग एंटिटी रिमेंस अ सेपरेट आइडेंटिटी। तो हम लोग भगवान से जो है अलग होने के कारण जो है हम लोग जो है हमारा अस्तित्व आजीवन काल के लिए अलग रहने वाला है। हम लोग भगवान के अंश जरूर हैं, लेकिन वो अंश हम जो है भगवान के साथ जब सेवा में जुड़ेंगे तभी वो अंश की सार्थकता प्राप्त होगी। तो फिर वही 24वां श्लोक भी हमने सुना, सर्वगता, सर्वगता मतलब भगवान ये जो आत्मा है सब जगह है। तो बोलते हैं जमीन पे भी है, पानी में भी है, हवा में भी है और अग्नि में भी है। तो लोगों को लग रहा था जब पानी उबाल देते हैं तो सारे के सारे कीटाणु मर जाते हैं या आत्मा जो है
अग्नि में नहीं रह सकती। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो जो सन प्लैनेट है, सूर्य लोक है, वहां पे उनके पास ऐसा शरीर है जो सूर्य लोक में रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं शब्द आया सर्वगता, सर्वगता मतलब सब जगह रहने वाले। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि वैज्ञानिक लोगों ने पता लगाया है, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं फायर बैक्टीरिया। फायर बैक्टीरिया मतलब एक ऐसे कीटाणु हैं जो अग्नि में रहते हैं। तो ये वैज्ञानिक लोगों ने ढूंढ के बताया हुआ है। तो इसका मतलब अग्नि के अंदर भी जीव जंतु रहते हैं। तो उसी प्रकार से जीव जंतु यहाँ पे बताया गया सर्वगता, सर्वगता मतलब हर जगह रह रहे हैं। तो वो पानी में भी हैं, हवा में भी हैं और अग्नि में भी हैं। तो वो जो इसमें बताया गया वो वास्तविक रूप में सत्य है। तो देखिए कितनी चीजें होंगी जो वैज्ञानिक खोज कर पाएंगे और अधिकांश चीजें वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाएंगे, पर हम लोग जो हैं उस पे निर्भर नहीं रहेंगे। और हमारा उद्देश्य स्पष्ट रहेगा कि जो शास्त्रों में दिया है उसके हिसाब से जो है हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो हम बोलते हैं देखिए एक हीरे को आप अगर एक डब्बे में रखते हैं तो वो एक ज्वेलरी बॉक्स जैसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने हीरा रखा है। आपने कचरा किसी डब्बे में रखा तो वो कचरे का डब्बा बन जाता है। मतलब आप क्या सामान रख रहे हो उस पे निर्धारित हो जाते हैं वो डब्बा क्या है। अगर आप उस डब्बे में आपने हीरे मोती गहने रख दिए हैं तो एक ज्वेलरी बॉक्स बन जाता है, या कोई दूसरा डब्बा है जिसमें आपने कचरा डाल दिया हो तो हम उसको कचरे का डब्बा बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है, अंदर क्या रख रहे हो। तो उसी प्रकार से हम अपने मन में क्या रख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर हम अपने मन में जो है कचरा रखेंगे तो हम कचरे के डब्बे जैसे बन जाएंगे। तो दुनिया भर में सब कचरा की बातें चल रही हैं, कचरे के कार्य चल रहे हैं, मतलब गलत कार्य चल रहे हैं। तो अगर हम अपना मन उसमें ध्यान लगाएंगे तो हम वैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर अपना मन जो है हम कृष्ण भक्ति और इन चीजों में लगाएंगे तो हम वैसे अध्यात्म में उन्नति कर सकते हैं। तो बोलते हैं हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें कभी भी सिखाना बंद नहीं करता। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग, अर्थात हमें जीवन भर सीखते रहना है क्योंकि जिंदगी हमेशा हमें सिखाती रहेगी। तो ये हम अध्यात्म के रूप में अध्यात्म के संपर्क में विशेष रूप से बात कर रहे हैं कि अध्यात्म में जो है हमें सब कुछ सीखते रहना है जीवन के अंत तक। तो अभी हमने जो भक्ति का प्रारंभ किया है ये जीवन के अंत तक हमें सीखते रहना है भक्ति के बारे में, क्योंकि जो है भक्ति ऐसी चीज है जो जीवन भर हमें सिखाती रहेगी। तो ये भौतिक रूप से लोग बोलते हैं कि जीवन में हमें सीखना चाहिए, पर आध्यात्मिक रूप से तो ये और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से हमें और कुछ जो है बहुत जरूरी है सीखना और समझना। तो प्रभुपाद बताते हैं उन्होंने लादिनी माता जी को चिट्ठी लिखा था, तो उसमें बताते हैं कि जैसे हमारा कृष्ण भक्ति में सेवा परिपक्व होता है उतना हम कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। तो देखते हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं देखिए हम लोग सब भक्ति के मार्ग में हैं, कितनी तीव्रता से हम भक्ति कर रहे हैं, कितने ध्यान पूर्वक हम भक्ति कर रहे हैं, उससे प्रभुपाद बोलते हैं हम उतना कृष्ण को जो है वी कैन सी कृष्ण मोर एंड मोर, मतलब हम और कृष्ण को देख पाएंगे, उनका अनुभव हम जीवन में कर पाएंगे। और फिर वही चीज हम जो है कृष्ण भगवान के वृंदावन धाम, उनकी नाम और उनकी महिमा ये सब जान पाएंगे। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे हम जितना हम भक्ति कर रहे हैं उस पे आधारित रहेगा हम कितना प्रगति कर रहे हैं, कितना हम अपने जीवन में कृष्ण को अनुभव कर रहे हैं। अगर किसी भक्त को लग रहा होगा कि मैं कृष्ण को अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है हमारा जो प्रैक्टिस है, हमारी जो भक्ति है वो जो है सक्षम नहीं। तो ये भक्ति रसाम महाराज बता रहे थे कि दो चीजें हैं, एक है वैराग्य और दूसरा है बिना आसक्ति के काम करना। तो बोलते हैं वैराग्य और बिना आसक्ति के काम करना सुनने में एक समान लगता है, लेकिन जो भक्त होता है वो वैराग्य के पीछे नहीं जाता, वो उसके लिए ज्यादा जरूरी है वो बिना आसक्ति के कार्य करे। तो बिना आसक्ति के कार्य करना मतलब हो सकता है वो कई चीज अपने जीवन में प्रयोग कर रहा है लेकिन उसका वो उससे वो आसक्त नहीं है, वो अटैच नहीं है। और दूसरा होता है वैराग्य। वैराग्य मतलब आपने कोई चीज का त्याग दिया, आपने उसको
जो है रिजेक्ट कर दिया, तो वो अलग है। तो बोले संत भक्ति रसामृत महाराज कि भक्त वैराग्य नहीं बताते, भक्त ये बताते हैं कि उनकी आसक्ति नहीं है, अर्थात वो कोई भी चीज प्रयोग करेंगे भगवान की सेवा में, पर उससे जो है वो आसक्ति नहीं बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद 25वें श्लोक में अंत में बताते हैं, रिपीटेशन ऑफ समथिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर दैट वी अंडरस्टैंड द मैटर थरली विदाउट एरर। अर्थात ये 25वें श्लोक में आ रहा है, जो मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी अपने प्रवचनों में बताया हुआ है कि कई बार कई चीज दोहराते हैं हम, पर ये दोहराना जरूरी है जिससे हम कोई चीज अच्छे से समझ लें बिना गलती के। प्रभुपाद ये लास्ट लाइन में बोल रहे हैं 25वें श्लोक में, जो गीता में मार्किंग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं अपने साथ, वो मार्क कर सकते हैं 25वें श्लोक का ये लाइन, रिपीटेशन ऑफ समथिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर दैट वी अंडरस्टैंड द मैटर थरली विदाउट एरर, बिना गलती के हम अच्छे से समझें। तो देखिए हम जितने भी प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं, ये स्पेशली पृथु महाराज का जो श्रृंखला हमने पढ़ा कि सबसे महत्वपूर्ण है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ करने से हम संतुष्ट रह सकते हैं और वो हमारा जीवन का उद्देश्य है, उसको पालन करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हो सकता है हमें श्लोक याद नहीं हो, हमें हो सकता है इतने सारे तात्पर्य याद नहीं हो, पर प्रभुपाद ने बार 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 चीज पहले स्कंद से अभी हम चौथे स्कंद तक पहुंचे हैं, गीता में हम जहां जहां पढ़ रहे हैं वो एक ही चीज समझाया हुआ है, जिससे हमें पूरी तरह से ये बात मन में बैठ रही गई है कि भाई हमें जीवन पर्यंत संकीर्तन करना है, भक्ति करनी है, जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा और हम भगवत धाम जाएंगे भी उसके कारण, और जब तक हम यहाँ पे भी हैं तब तक हम जो है संतुष्टि से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं शास्त्र इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई पूछेगा हमारा पिता कौन है, तो हमें हमारे पास सिर्फ एक ही सबूत है, हमारी माता। तो माता के आधार पर हम बता सकते हैं हमारे पिता कौन है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो बोलते हैं हमें आत्मा के बारे में जानना हो तो एक ही तरीका है शास्त्रों के हिसाब से। तो बिना शास्त्र के आप आत्मा को जो है भले ही आप कितना ही उस पर वाद विवाद कर लो, तो प्रभुपाद बोलते हैं उसको समझना मुश्किल है। तो जैसे माता हमारे हमारे पिता कौन है सिर्फ माँ बता सकती है, तो प्रभुपाद बोलते हैं उसी प्रकार से ये 25वें श्लोक के तात्पर्य में बीच में बता रहे हैं प्रभुपाद कि हम आत्मा हैं, ये कैसे मालूम चलता है, शास्त्रों को पढ़ने से। और अगर हम मनुष्य कोई एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो एक्सपेरिमेंट में जो है वो निश्चित रूप से पता नहीं लगा पाएगा आत्मा है कि नहीं। तो प्रभुपाद ये आर्ग्यूमेंट करते थे, तो कई बार हमें भी आर्ग्यूमेंट रखना चाहिए कि हाँ अगर किसी कोई भी पूछेगा आप शास्त्रों को क्यों विश्वास करते हो, तो बोलना चाहिए आपको कैसे मालूम है आपके पिता कौन है, क्योंकि माता ने बताया है इसलिए आपको मालूम है ये तुम्हारे पिता है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जो शास्त्र बताता है हम शास्त्र के हिसाब से जो है ये स्वीकार करते हैं आत्मा है, और आत्मा का जो है कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना, भक्ति करना। तो कल से हम 26वें श्लोक गीता में वहां से आगे बढ़ेंगे, और 11वां स्कंद 11वां श्लोक जो भागवतम में हम 21वें अध्याय पे जहाँ पे हमने विराम दिया था वहां से हम आगे और कथा करेंगे कल के प्रवचन में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, हरे कृष्णा।